शूज यू मस्ट हैव इन योर क्लोज़ेट। तो आज हम देखते हैं कि होबो ट्रैवलर के पास क्या क्या जूते हैं, मारने के लिए नहीं, पहनने के लिए। सो ये है मेरा फेवरेट जो मैं घर पे रोज पहनती हूँ, क्योंकि मैं घर पे बेयर फुट नहीं रह सकती हूँ। एंड दीज आर माई क्यूट लिटिल स्लीपर्स। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। उसके बाद आई हैव माई फ्लोटीज फॉर रेन्स, क्योंकि बारिश में अच्छा टिकाऊ सस्ता एंड रेनी सीजन टाइप जूते ही चाहिए होता है। सो दिस इज द वन। उसके बाद आई हैव माई ब्लॉक हिल्स, जो मेरे एथनिक वेयर, स्कर्ट्स, स्कॉट्स, शॉर्ट्स एंड पता नहीं किस किस के साथ मैं इसको पहनती हूँ, बट बेसिकली दिस इज माई इंडियन आउटफिट। एंड साड़ी वगैरह के लिए तो मस्ट है, द हील इज ऑल्सो वेरी गुड, कंफर्टेबल एंड या वेरी नाइस। एंड उसके बाद आई डू हैव माई स्लीपर्स, जो मैं दूध, दही, ब्रेड और पता नहीं नाइट पीजेज, मतलब नाइट आउट, पीजे पार्टीज, ये सब के लिए पहनती हूँ। जनरली ये मैं रोज पहनती हूँ, दैट्स व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज। उसके बाद आई हैव ब्लैक बेली हील्स, ये मैंने आइकॉनिक से लिया था। एंड दिस जस्ट गिव्स यू अ बॉस लेडी लुक इन ऑफिस, यू विल जस्ट क्रैक व्हेन यू स्टैंड ऑन योर हील्स। सो यस, ये उसके लिए हेल्प करता है जनरली। एंड देन आई डू हैव माई शूज फ्रॉम मस्थान हार्बर, विच इज बैक ओपन। तो ये बैक ओपन ना हम इंडियन पहले ही कर चुके होते हैं जब स्कूल में रहते हैं, आधा पैर अंदर रहता है, आधा पैर बाहर रहता है, उससे ना पीछे वाला हिस्सा चला जाता है। सो दिस इज फॉर दैट। अभी जो है स्टार ऑफ द शो है, दिस इज माई वाइट पम्प्स। ये एथनिक के साथ जाता है, फॉर्मल के साथ जाता है, कैजुअल के साथ जाता है, साड़ी के साथ जाता है, पता नहीं ये किस किस चीज के साथ जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज माय स्टार ऑफ द शो एंड दिस इज आल्सो माय फेवरेट, बट व्हाइट कलर का है तो आई एम वेरी केयरफुल विद दिस शू। मैं इसको नहीं पहनती हूँ कचरे वाले जगह में। एंड उसके बाद गाइस द सेवियर, द मोस्ट सेवियर, बट इसको पहनने के लिए ना मुझे 10 मिनट लगने वाले होता है, इसलिए इसको मैं ऐसे ही प्रेजेंट कर रही हूँ, डोंट माइंड, बट दिस इज द बेस्ट वन। सो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू सब्सक्राइब। विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम।